भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी अब टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले आशीष नेहरा इस स्थान पर मौजूद थे, जिन्होंने 1 नवंबर को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। आशीष नेहरा ने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदान दिल्ली के कोटला स्टेडियम में खेला था। चूंकि नेहरा के संन्यास के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी ही टीम के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी है, जिनका 2019 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट तय है। आपको बता दें, धोनी वो नाम है जिन्होंने भारत को 2 बार वर्ल्ड कप जिताया है। हालांकि अब वो कप्तानी नहीं करते हैं, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर शॉट और चतुराई से स्टंपिंग करने की उनकी कला से काफी लोग उन्हें पसंद करते हैं और इसलिए दुनिया भर में धोनी के लाखों करोड़ों फैंस हैं। लेकिन हम बात कर रहे धोनी के संन्यास लेने के बाद कौन सा युवा विकेटकीपर होगा जो धोनी को रिप्लेस करेगा, तो भारतीय टीम के ऐसे ही 5 युवा विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी की जगह लेने को तैयार है और इन 5ों ही विकेटकीपरों ने आईपीएल में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबको आश्चर्यचकित किया है। तो आइए जानते उन 5 खिलाड़ियों को जो धोनी को रिप्लेस करने का दावा करते हैं। सबसे पहला नाम आता है रिद्धिमान साहा का। महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहने के बाद साहा ने ही विकेटकीपिंग का जिम्मा संभाला है। साहा अच्छे विकेटकीपर के साथ अच्छे बल्लेबाज भी हैं, साथ ही उन्हें निचले क्रम में बल्लेबाजी का अच्छा खासा अनुभव भी है। इसके अलावा रिद्धिमान साहा को राहुल द्रविड़ के बाद दूसरा द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जा सकता है, क्योंकि साहा ऐसे बल्लेबाज है जो विकेट के पीछे लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा साहा ने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, वो पंजाब की ओर से अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखा चुके हैं। दूसरा नाम जो विकेट कीपरों की लिस्ट में आता है वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक की बात करें तो उन्होंने हाल ही में वनडे टीम में वापसी की है। वापसी के बाद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। धोनी की जगह उनका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कार्तिक के पास विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में 14 वर्षों का अनुभव भी है, जो कि मिडिल ऑर्डर में अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। दिनेश कार्तिक 3ों ही फॉर्मेट में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे चुके हैं और इसके अलावा वो रणजी ट्रॉफी और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में भी अपना दमखम दिखा। तीसरे खिलाड़ी है ऋषभ पंत। दिल्ली के युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है, खासकर क्रिकेट के युवा फैंस ने ऋषभ पंत को खूब सराहा है। हालांकि उन्होंने अभी 2 ही अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं, लेकिन पंत का आईपीएल का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। पंत तेजी से बल्लेबाजी करने में भी सक्षम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंत का अनुभव कम होने के कारण चयनकर्ताओं के लिए पंत को धोनी की जगह टीम में लेना थोड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल धोनी की रिटायरमेंट से पहले पंत को अनुभव हासिल करने के लिए काफी समय होगा, ताकि वो भी धोनी को रिप्लेस करने का दावा कर सके। चौथे विकेटकीपर बल्लेबाज है केएल राहुल। केएल राहुल ने पिछले कुछ समय में टेस्ट मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वनडे और T20 टीम में वह जगह पाने के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं। हालांकि वो आईपीएल में अपने प्रदर्शन से और बंगलोर की टीम से खेलते हुए अपना परिचय दे चुके हैं। राहुल बल्लेबाजी के साथ कीपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ ही विराट कोहली भी उनके प्रदर्शन की तारीफ कर चुके हैं, शायद इसी बात का फायदा उन्हें मिल सकता है। आखिरी और 5वें विकेटकीपर है संजू सैमसन। युवा संजू सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और फिर मुंबई इंडियंस में शानदार प्रदर्शन के जरिए सभी की नजरों में आ चुके हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक 1 ही T20 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 19 रन बनाए थे, लेकिन आईपीएल में उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। आपको बता दें, संजू सैमसन की तकनीक की तारीफ भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी भी कर चुके हैं, तो इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के पास भी अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए काफी समय है, जिसके बाद उन्हें मौका मिल सकता है। तो ये थे भारतीय टीम के 5 युवा विकेटकीपर जो महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करने की योग्यता रखते हैं। हालांकि धोनी के रिटायरमेंट को अभी काफी समय है, लेकिन इन 5ों खिलाड़ियों के पास अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए पर्याप्त समय है और आशा है कि धोनी के जाने के बाद भारतीय टीम को ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज मिले जो धोनी की कमी को खुलने न दे। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और धोनी की जगह आप इन 5ों में से किसे टीम में देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मेरी दिल्ली YouTube चैनल और सब्सक्राइब करें।